बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक को हम पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने बायोएनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन को देखा था और हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को थोड़ा थोड़ा उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देखी थी कि क्या क्या प्रोसेस है और इनमें क्या क्या होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस को जहाँ हमने डिस्कस किया था, हमने एक इक्वेशन लिखी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि किस तरह थी, कुछ इस तरह की इक्वेशन थी। कार्बन डाइऑक्साइड था हमारे पास, उसके साथ हमारे पास वाटर रिएक्ट करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो ये इक्वेशन कुछ इस किस्म की बनती है। हमारे पास 12H2O और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको मज़ीद क्लासिफाई करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं और वो रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं। रिएक्टेंट्स में हमारे पास है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो है वाटर। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन के अंदर इसके प्रोडक्ट्स को देख लें तो प्रोडक्ट्स में आप जानते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक तो हमारे पास है ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं C6H12O6 और दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास ऑक्सीजन का। इसके अलावा थर्ड जो है हमें वाटर भी यहाँ नज़र आ रहा है। वाटर बेसिकली क्योंकि रिएक्टेंट्स के अंदर भी है और प्रोडक्ट्स के अंदर भी है, तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि ये एक, यानी ये ओवरऑल कैंसिल हो जाता है, इसे हम प्रोडक्ट्स के अंदर इसलिए यहाँ पे फिलहाल नहीं लिख रहे। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि दो रिएक्टेंट्स हैं और उसके साथ साथ हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनने हैं और ओवरऑल हम इस रिएक्शन को कहते हैं ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ों ने कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट बन गया। इस लाइट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो कि है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आप जानते भी हैं, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो पाती है इनटू केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज। अच्छा, अब अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा सा देख लें, एरोबिक रेस्पिरेशन आप जानते हैं वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर और तमाम बाकी ऑर्गेनिजम्स जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं उनके अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम उसको देखें और उसकी इक्वेशन को देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की है। हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन होती है जो कि दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, हुआ क्या, ग्लूकोज ने कंबाइन किया वाटर के सॉरी ग्लूकोज ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी बनी। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन और ये ओवरऑल हमारे पास एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें इन दोनों इक्वेशंस में, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को आप देख लें और इसके साथ हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन को देखें, तो दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो इसके अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एनर्जी हमने एक्वायर की है, एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस जो था हमारा, वो अब रेस्पिरेशन में आके एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, वही एनर्जी जो हमने यहाँ से हासिल की थी उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यही वो एनर्जी कन्वर्जन की बात है जिसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखें प्लांट्स क्या करते हैं। प्लांट्स ये करते हैं कि वो इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी को अपने अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब एनर्जी जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेव हो गई, और होता यह है कि रेस्पिरेशन के अंदर, चाहे वो रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो रही हो या वो रेस्पिरेशन एनिमल्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हो, वो इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि एनर्जी से जो एनर्जी सेव हुई भी होती है वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें ना, ये रेस्पिरेशन हुई तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होगी ना, और यही एनर्जी रिलीज जो होगी वो हम अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में यूज़ कर लेंगे।
अच्छा, एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़, अक्सर लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं। जब हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। पौधे जो हैं उनके अंदर रेस्पायरेशन भी हो रही है और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। फिर ऐसे क्यों होता है कि हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतने ज़्यादा हमारे पास, हमें उस इलाके में, उस एरिया में उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और हमारे लिए सांस लेना इजी हो जाएगा? ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस से कम होता है। ये कब होता है? ये दिन के वक्त। अब हमारे पास तीन, हम अपने जो टोटल 24 आवर्स का हमारे पास टाइम है, हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है डे टाइम, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है नाइट टाइम, और तीसरा जो है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें दिन और रात का दरमियाना वक्त होता है, ठीक है। अच्छा, डे टाइम के अंदर क्या हो रहा होता है? डे टाइम के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हायर होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है, और रेस्पायरेशन जो है वो, रेस्पायरेशन तो जितनी होनी है उतनी होती है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो ज़्यादा हो रही होती है। और इससे ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। या ओवरऑल बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट टाइम की, नाइट टाइम के अंदर क्या है, क्योंकि हमारे पास सनलाइट बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है, तो क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो टोटली ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं लाइट रिएक्शंस और एक होते हैं डार्क रिएक्शंस। और डार्क रिएक्शंस होते हैं वो तो नाइट टाइम में हो सकते हैं, लेकिन लाइट रिएक्शंस क्योंकि नहीं होते तो हम ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को कहते हैं कि वो नहीं हो रहा रात के टाइम में। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कम है और रेस्पायरेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल बाय प्रोडक्ट क्या हो गया इस इक्वेशन का, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज रेस्पायरेशन के लिए, तो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसलिए रात के वक्त में, अगर आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा कि अगर रात के वक्त आप किसी पौधे के नीचे सो जाएं तो आपको घुटन महसूस होती है, ठीक है। वो इसी वजह से है क्योंकि पौधे के अंदर से उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। अच्छा, एक तीसरा वक्त भी होता है, वो ऐसा वक्त है दैट इज़ यू कैन से बिटवीन डॉन, एट द टाइम ऑफ डॉन, सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों बराबर हो रहे होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो इक्वल हो जाता है रेस्पायरेशन के, यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस से जितनी ऑक्सीजन बना रहे हैं उतनी ही रेस्पायरेशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? नथिंग, कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट को या ऐसे टाइम को जब के रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इक्वली रन कर रहा हो, इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस को और रेस्पायरेशन को और इनका आपस में क्या रिलेशन है इस चीज़ को। इसके अलावा हमने देखा रेस्पायरेशन की या फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है, इसके अंदर हमें एक और चीज़ नज़र आती है जो कि है वाटर, ठीक है। तो वाटर का क्या रिलेशनशिप है फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसको हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। पानी का कितना अमल दखल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, पानी ना हो तो क्या होगा, पानी हो तो क्या होगा, या पानी के अंदर जो पाई जाने वाली ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है वो कहाँ यूज़ होते हैं, उसको हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। ऑक्सीजन जो है वो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए, और एरोबिक रेस्पायरेशन होती ही इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। 1930 में हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था नील वैन नील। इन्होंने 1930 में ये प्रपोज किया था कि प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर से आती है, ठीक है। यहाँ ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। C6H12O6 प्लस
ऑक्सीजन, ठीक है. लेट्स सी, हम यहाँ पे वाटर भी लिख देते हैं, ठीक है. अच्छा, वैनिल का ये कहना था, इन्होंने एक ऐसा हाइपोथेसिस दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि प्लांट के अंदर ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ये वाली ऑक्सीजन है जो कि वाटर के अंदर थी, ठीक है. तो ये वाली जो ऑक्सीजन है वो ये जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास रिलीज हुई है, ऑक्सीजन गैस, ये वाटर के अंदर से रिलीज हुई है, ठीक है. इस हाइपोथेसिस को लेटर 1940s के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रूव भी कर दिया. वो प्रूव किस तरह से किया उन्होंने, ये किया, आपको आइसोटॉप्स का तो आइडिया होगा. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिवली कम या हाई होता है, ठीक है. तो आइसोटॉप जो हमारे पास, हमें एक ऑक्सीजन का आइसोटॉप मिला O18, ठीक है. वैसे तो नॉर्मली ऑक्सीजन का क्या मास है? 16 है ना. तो ऑक्सीजन 18 के थ्रू इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. और एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने? ये किया के दो सेट्स बनाए हमारे, अपना अपने दो ग्रुप्स बना लिए, दो रिएक्शन इस तरह से कराए गए कि एक रिएक्शन के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो वाली ऑक्सीजन यूज़ की जो कि ऑक्सीजन 18 थी, ठीक है. और एक ऐसा रिएक्शन था जिसके अंदर वाटर के अंदर वो ऑक्सीजन यूज़ किया जो कि ऑक्सीजन 18 था, ठीक है. पहले तो लैब के अंदर हमने वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 को डाला, और ऐसा वाटर बनाया जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 को डाला. और फिर हमने दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके जो रिजल्ट्स हुए उसको फिर हमने देखा, और उसमें से ये पता चला कि जो ऑक्सीजन, यानी कि जो वैनिल का हाइपोथेसिस था वो ट्रू था, और वाटर के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसी ने यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है ये बनाई. वो रिएक्शंस क्या बने? रिएक्शंस कुछ इस किस्म के थे कि जो हमारे पास दो ग्रुप्स बनाए गए, एक है हमारे पास ग्रुप वन, ठीक है. ग्रुप वन का क्या रिएक्शन बना? कुछ इस किस्म का रिएक्शन था जिसमें सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड यानी नॉर्मल ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया गया वाटर के साथ, और ये वाला वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है इसकी हमने क्या कहा, इसका जो मास है वो क्या है? 18, ठीक है. तो इसका रिएक्शन जब हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट बने तो वो कुछ इस किस्म के थे. इसको अगर हम इसकी एम्पिरिकल फॉर्म में लिख लें, कुछ इस किस्म का हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनेगी. और यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके ऊपर ये 18 है, ठीक है. तो यानी इस वाटर वाले ऑक्सीजन से हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है. ये हमारे पास ग्रुप वन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया. इसी तरह जो ग्रुप टू था उसके अंदर क्या किया गया? ग्रुप टू के अंदर जो रिएक्टेंट्स थे उसके अंदर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन था उसको चेंज कर लिया विद ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप, ठीक है. और इसको रिएक्ट कराया नॉर्मल वाटर के साथ. इसका जो प्रोडक्ट बना वो क्या था? प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास CH2O. इसको CH2O क्यों लिख रही हूँ मैं? ताकि मुझे पता चल जाए कि ये इसकी एम्पिरिकल फॉर्म है, मुझे इसको बैलेंस ना करना पड़े, ठीक है. अब ये CH2O, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ये हमारे पास ऑक्सीजन 18 वाला बना. इसके साथ बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या बना? एक तो वाटर बना और एक मेरे पास ऑक्सीजन बना. इस वाटर वाले ऑक्सीजन के अंदर भी ऑक्सीजन 18 था, ठीक है. तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है उसने क्या बनाया? ग्लूकोज प्लस जो वाटर, जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन है वो. अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि वाटर का क्या रिलेशनशिप है फोटोसिंथेसिस के अंदर. अब जहाँ हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो गया था ना ऑक्सीजन के अंदर. इसके अलावा इसके अंदर से हाइड्रोजन भी तो रिलीज हुआ. इस हाइड्रोजन का क्या काम है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल टूट के हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बने हैं, एक हमारे पास बना है हाइड्रोजन और एक हमारे पास बना है ऑक्सीजन, ठीक है. इसको भी आप H पॉजिटिव के फॉर्म में बेसिकली ये होता है, H2 आप इसको लिख लें. इससे ये करता क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये भी हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर यूज़ होता है. और वो कौन सी इक्वेशन है? हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं NADP, ठीक है. तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये पहले इसके साथ कंबाइन होता है और ये इसे क्या बनाता है? NADPH. और इसके साथ फिर मज़ीद एक और हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो हमारे पास बनता है NADPH2, ठीक है. ये NADP से क्या बनता है? NADP से बनता है हमारे पास निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, बल्कि इसके साथ P भी है ना, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो ये हमारे पास NADPH बन गया. ये वाला जो, ये जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बने हैं NADPH2, आप देख रहे होंगे कि ये क्या अजीब सा कम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल बन गया. इसका क्या काम? इसका काम ये होता है कि ये जो NADPH है
ये बनता तो लाइट रिएक्शंस में, अब यहाँ पे देखे ना फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन हुआ ये पूरा का पूरा रोशनी के अंदर होता है, तो ये जो NADPH है ये बना तो है लाइट रिएक्शन में, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शंस में। ये लाइट टू डार्क रिएक्शंस क्या है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दो फॉर्म्स हैं, के दो पार्ट्स हैं हम कहते हैं। हमारे पास जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक में हमारे पास आ जाते हैं लाइट रिएक्शंस और दूसरे हमारे पास हैं डार्क रिएक्शंस। लाइट और डार्क क्यों कहते हैं इनको, इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है इसके लिए हमारे पास लाइट का होना ज़रूरी है, ये रोशनी की या सनलाइट की या एनर्जी की प्रेजेंस में होते हैं। डार्क रिएक्शंस के लिए इन सब का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स हैं, इनको हम मज़ीद अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने बायोएनर्जेटिक्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखा, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखा, उसके बाद हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, हमने उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखा, और फिर हमने कंपेयर किया फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को। उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट जो 24 आवर्स का टाइम है इसके अंदर, हम किस तरह से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं एक प्लांट बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर हमने वाटर फोटोसिंथेसिस का आपस में रिलेशनशिप देखा कि वाटर किस तरह से फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है और क्या प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर बनाता है। और हमने ये पता चलाया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो वाटर के अंदर से आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने हाइड्रोजन का काम देखा, हाइड्रोजन जो है वो जो वाटर के अंदर से रिलीज हुई है उसका क्या काम है, वो NADP के साथ कंबाइन करके NADPH2 बनाता है। और फिर हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के दो तरह के रिएक्शंस, लाइट और डार्क रिएक्शंस। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको, इसी टॉपिक को, फोटोसिंथेसिस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरह से हो रहा है, वो कौन से पिगमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।